गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस समझा रहे हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ट्वाइस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड का ट्वाइस सर्कुलेशन जो है वो डबल सर्कुलेशन कहलाता है, यानी ब्लड हमारी बॉडी में दो बार जाता है, ट्वाइस इन ह्यूमन बॉडी। इट इंक्लूड्स पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। लेट अस सी, ये सर्कुलेशन फ्लो चार्ट है जिसमें हम देख रहे हैं ये जो हिस्सा है जहाँ नीचे लंग्स है, दिस इज द लंग्स। तो लंग्स ऑक्सीजनेट करता है ब्लड को, ये मेन काम लंग्स का है, और हार्ट जो है वो पंप करता है, ये मेन काम हार्ट का है, और बॉडी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करती है। तो बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कलेक्ट करने का काम करती है वीना कावा, और वीना कावा से जाकर के लंग्स के ऑरिकल में, यानी राइट ऑरिकल में लंग्स के लिए जाने वाला ब्लड हार्ट के राइट ऑरिकल में इकट्ठा होता है। राइट ऑरिकल से फिर ये वेंट्रिकल में आता है, और वेंट्रिकल से पंप करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये सर्कुलेशन जो है वो लंग्स में चला जाता है, और अब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होता है। जब ब्लड ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में रहता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है, तो ये पल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और जहां से अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बच्चों, ये डायग्राम आप ह्यूमन हार्ट का देख रहे हैं। आप ह्यूमन हार्ट में ये अरोटा है, अरोटा इज अ मेन ट्रंक दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू होल बॉडी, एंड दीज आर द पल्मोनरी आर्टरी विच ओपेंस इन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी द ब्लड गोज टू लंग्स, एंड दीज आर द पल्मोनरी वेन। Pulmonary vein brings oxygenated blood to the heart, and these are the valve, these are mitral valve or bicuspid valve, and these are semilunar aortic valve. The connection between the left atrium to left ventricle is by this mitral or bicuspid valve. And the valve which are present at the opening of the aorta is aortic valve. It allows to go the blood inside the aorta and stop back flowing. Now we are coming on the right side. The right ventricle and right atrium is there. Two larger veins known as inferior vena cava and superior vena cava drains their blood, that is deoxygenated blood, into right atrium. From right atrium it goes to right ventricle. I would like to detail the process of the blood circulation. The deoxygenated blood is drained by the vena cava from whole the body. They drain the blood into the right atrium. When right atrium is full of blood, the pressure increases, opens the tricuspid valve. जब tricuspid valve पर pressure बढ़ता है तो valve खुल जाता है और सारा deoxygenated blood right ventricle में आ जाता है। अब right ventricle contract होता है जिससे जो है pulmonary artery का valve खुल जाता है, जिसको हम semilunar pulmonary valve कहते हैं। ये pulmonary valve खुलते ही जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों लंग्स को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाता है। जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड अंदर आता है, यानी ये पल्मोनरी वेन है, इसके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अंदर आता है,
और अंदर आकर के लेफ्ट एट्रियम में भर जाता है। जब लेफ्ट एट्रियम में भर जाता है तो ये फुल ऑफ ब्लड होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे प्रेशर बढ़ता है और ये मिट्रल वॉल्व जो बाइक स्पिड वॉल्व है वो खुल जाता है। अब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे ये सेमी लूनार ओरोटिक वॉल्व खुल जाता है और ब्लड जो है वो अरोटा में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में हो जाता है, जो कि आपने समझा। ये सिंपल फ्लो चार्ट है। सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ब्लड लाती है और राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है, तब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे पल्मोनरी सेमी लूनार वॉल्व खुलता है और ये पल्मोनरी आर्टरी में जाते हुए ये लंग्स को पहुंच जाता है। लंग्स ऑक्सीजनेट करता है, ऑक्सीजनेशन के बाद ये लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अरोटा में जाता है और अरोटा से पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन का था, जो आपने समझा। तो आपने देखा किस तरीके से हमारी बॉडी में ये सर्कुलेशन होता है, जिसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो लंग्स, हार्ट और बॉडी होती है। अगर आपको हमारा ये डिटेलिंग अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।